वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। फाइनली आफ्टर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग आई वॉच शिनकाई लेटेस्ट मूवी सुजुमे नो तोजीमारी ऑन अ बिग स्क्रीन। और इस फिल्म को देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था और काफी टाइम से वेट कर रहा था, क्योंकि इस फिल्म को जिन्होंने डायरेक्ट किया है वो है माकोतो शिनकाई, जिनकी फिल्मोग्राफी का मैं काफी बड़ा फैन हूँ, जिन्होंने योर नेम, वेदरिंग विद यू, गार्डन ऑफ वर्ड्स, 5 मीटर पर सेकंड जैसी कमाल की मूवीज बनाई है जिनको लोगों ने दिल खोलकर पसंद किया है, जिसमें शिनकाई की ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मानी जाती है योर नेम, जिसे शिनकाई की हर नई मूवी से कंपेयर किया जाता है दोस्तों। तो क्या सुजुमे उन सारी मूवीज से बेहतर साबित होती है? वेल, इसके बारे में भी हम जरूर डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं फिल्म सुजुमे के बारे में। तो दोस्तों प्लॉट से शुरुआत करें तो ये कहानी एक 17 से 18 साल की एक लड़की की, जिसका नाम होता है सुजुमे, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट होती है, लेकिन एक दिन अचानक वो मिलती है ऐसे शख्स से दोस्तों जिसका नाम होता है सोता, जिसका काम है उन दरवाजों को बंद करना जिसमें से मिस्टीरियस वॉर्म जैसी चीजें निकल रही है जो कि जापान को तहस नहस कर रही है, जिसे सुजुमे खुद भी विटनेस कर रही है। और अब वो उस शख्स के साथ एज ए टीम उन दरवाजों को बंद करने का काम कर रही होती है। तो ये सब चीजें देखने के बाद दोस्तों आपको मूवी एक रोड ट्रिप वाली वाइब जरूर देती है, जिसमें फन, फैंटेसी, एडवेंचर जैसे एलिमेंट्स को काफी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट भी किया गया है, जो कि शिनकाई का एक टिपिकल टच है जो कि आपको शिनकाई की हर मूवी में देखने के लिए भी मिलता है। कैरेक्टर्स की बात करें दोस्तों तो सुजुमे की इस जर्नी में वो काफी सारे लोगों से मिलती है, और जितने भी कैरेक्टर्स हमें फिल्म में दिखाए गए हैं वो काफी ज्यादा अपने आप में इंडिपेंडेंट और लाइवली फील होते हैं। ऑल्दो वो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट तो मूवी पे नहीं डालते हैं, लेकिन ऐसा भी फील नहीं होता है दोस्तों कि उन कैरेक्टर्स को फोर्सफुली फिल्म में डाला गया है, विच इज क्वाइट गुड एक्चुअली। और वहीं अगर हम एनिमेशन को लेकर बात करें दोस्तों तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज तो नहीं हूँ इससे, क्योंकि हम सबको पता है दोस्तों कि शिनकाई की हर मूवी में एनिमेशन कितना ज्यादा ब्यूटीफुल और आई कैचिंग होता है। वो सीजीआई का यूज जहाँ जहाँ किया गया है दोस्तों वो 2D एनिमेशन के साथ तो काफी अच्छी तरीके से ब्लेंड होता है, बस कहीं कहीं जगह मुझे नोटिसेबल जरूर लगा है, लेकिन ओवरऑल एनिमेशन काफी ज्यादा बढ़िया है दोस्तों। और इस मूवी को मैंने थिएटर में देखा है दोस्तों, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है एनिमेशन को लेकर वो और भी ज्यादा एलिवेट हो जाता है। म्यूजिक को लेकर बात करें तो दैट वाज आउटस्टैंडिंग, क्योंकि हर सीन में हमें जो म्यूजिक सुनने को मिल रहा था वो ऐसा लगता था कि जो कैरेक्टर फील कर रहा होता था दोस्तों वो एज ऑडियंस हमें भी फील होता है। तो ये थी फिल्म सुजुमे में कुछ ऐसी खूबियां जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। लेकिन इसके अलावा जो मैंने एक सवाल किया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि क्या सुजुमे शिनकाई की प्रीवियस मूवी से बेहतर है, क्या ये शिनकाई का अभी तक का बेस्ट वर्क निकल के आता है, वेल इस चीज का आंसर करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि ये फिल्म शिनकाई का अभी तक का बेस्ट वर्क नहीं है और न ही ये शिनकाई की ऑल टाइम फेवरेट मूवी योर नेम को सरपास करने में कामयाब साबित होती है। इस फिल्म को लेकर मेरे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मेरे ओपिनियन में मुझे ऐसा लगता है कि मिसिंग है और अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुए। पहला तो है दोस्तों इमोशनल एस्पेक्ट, जो मुझे इस फिल्म में उतना ज्यादा हिट नहीं किया है जितना मुझे शिनकाई की प्रीवियस मूवीज ने किया था, लाइक योर नेम में जो इमोशंस थे वो काफी अच्छी तरीके से आपको हिट करते हैं और आपको सीन के अंदर खो जाने पे मजबूर कर देते हैं। दूसरा ये दोस्तों कि इसमें एक मेजर प्लॉट ट्विस्ट की मुझे कमी लगी है, जो मैं कहीं ना कहीं ट्रेलर देखने के बाद से एक्सपेक्ट जरूर कर रहा था कि इस फिल्म में वो चीज होनी चाहिए, क्योंकि इस फिल्म में जो हमें डोर्स दिखाए गए हैं अगर वो पोर्टल्स की तरह एक्ट करते और शिनकाई की प्रीवियस मूवी के साथ कनेक्ट करते कहीं ना कहीं, तो ये इस फिल्म को एक मेजर प्लॉट ट्विस्ट जरूर देते। तीसरा मुझे बॉय गर्ल डुओ की भी केमिस्ट्री कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई है दोस्तों, क्योंकि जो शिनकाई की प्रीवियस मूवीज से मैं अगर कंपेयर करूँ तो बॉय गर्ल डुओ की केमिस्ट्री और उनका रिलेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग बताया गया है, लेकिन इस फिल्म में मुझे वो इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगा है। लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन अगर मुझे इस फिल्म को देना है तो मैं शिनकाई की ये बेस्ट मूवी तो नहीं कहूंगा, लेकिन शिनकाई की वन ऑफ द बेस्ट मूवी जरूर कहूंगा। बस मेरी ये छोटी सी एडवाइस रहेगी, अगर आप इस फिल्म को देखने जाना चाहते हैं तो बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के जाए, ताकि आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट फील ना हो। और हाँ दोस्तों, इस फिल्म के साथ मुझे एक और अच्छी चीज लगी है, वो ये है दोस्तों कि इस फिल्म को जैपनीज डब में तो रिलीज किया गया ही है, लेकिन इसके साथ साथ इसको हिंदी डब में भी रिलीज किया गया है। तो जो लोग जैपनीज लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल नहीं है और वो हिंदी डब देखना जाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है, तो ये डिसीजन मुझे काफी बढ़िया लगा है दोस्तों। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो। मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।